कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन प्याजे। जीन प्याजे के क्वेश्चंस कई बार आए हैं आपके पेपर वन के अंदर, अभी रिपीट पे आने लगा है इसमें से क्वेश्चंस, और कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। सो यहाँ पे जीन प्याजे ने अपनी फोर स्टेजेस डेवलपमेंट की बताने से पहले हमें बताया है कि माइंड के दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने दोनों डिस्कस किए हैं। एक उन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है माइंड का, यानी बना कैसे हुआ है। दूसरा उन्होंने बताया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड, यानी वो काम कैसे करता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के अंदर उन्होंने एक टर्म दी है हमें, स्कीमा। अभी डिसम्बर 23 के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया है कि स्कीमा के ऊपर, कि स्कीमा क्या होता है। सो स्कीमाज आर स्मॉल बॉक्सेस इस तरीके से हमारे माइंड में कहते हैं बने हुए हैं, एंड इनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है। सो दीज आर द स्कीमा। स्कीमा को हम एक तरह से स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। देन उन्होंने फंक्शन के बारे में बताया है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज अडेप्टेड इन टू आर माइंड। तो इसके अंदर इन्होंने अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। अगेन अडेप्टेशन में हमें दो चीजें इन्होंने समझाई हैं जहां से क्वेश्चन आता है। वन इज एसिमिलेशन एंड सेकेंड इज अकोमोडेशन। अब ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत बार आपके अलग अलग तरह से रिपीट हुए हैं। सो एसिमिलेशन का यहाँ पे मतलब है जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन किसी एक स्कीमा के अंदर जो है आके फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि ये एक मार्कर है और मैंने अपने माइंड में फिट कर लिया कि दिस इज अ मार्कर, सो दिस न्यू इंफॉर्मेशन फिटेड, एनी न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन स्कीमा, दैट इज द एसिमिलेशन प्रोसेस। जबकि अकोमोडेशन के अंदर उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में, इसी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ये ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है कि मुझे पता है कि मार्कर क्या होता है। नाउ आई केम टू नो कि पेन क्या होता है, देन आई केम टू नो कि पेंसिल भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट्स जब मुझे, यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा जब मॉडिफाई होता है विद अनदर न्यू इंफॉर्मेशन, तो वो सेम स्कीमा होता है। यहाँ पे मेन चीज आप क्वेश्चन में, अगर आप ट्रिक भी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में जहां पे चेंज दिखाई देता है कि चेंज हो गया स्कीमा, अगर वो सिंपल सी चीज कह देते हैं कि स्कीमा चेंज हुआ इंफॉर्मेशन आने के बाद, तो आंसर होगा अकोमोडेशन, एंड इफ देयर इज नो चेंज इन द स्कीमा देन आंसर विल बी एसिमिलेशन।